रहीम शैतवान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आज जो आपके साथ अमल पेश करने जाऊंगी, इससे पहले जो आप मुझसे गुजारिश कर रहे थे सब मेरे बहन भाई के अमल की इजाजत की जरूरत है या नहीं, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इजाजत देने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन सिर्फ वजह यह है इजाजत देने की कि अमल की जो जुकात होती है वो मैंने खुद अदा की होती है। तो मैं मुझे पता होना चाहिए कि आप कौन सा अमल कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे, या आपका जब मैं इस्तखारा करती हूं तो उससे वाजे मुझे पता लग जाता है कि ये अमल इस बहन भाई के लिए बेहतर है, ये नहीं बेहतर। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैं उसको खुद सपोर्ट कर रही होती हूँ, उसके लिए अगर वो पढ़ाई करवा रही होती हूँ उनसे, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने बहन भाई के लिए खुद पढ़ाई करूँ ताकि अमल जल्दी कामयाब हो। बस इतनी सी इजाजत का होता है कि मेरे अमल से मेरे बहन भाई को खुद मैं सपोर्ट कर सकूं। तो इजाजत जरूर लिया करें। आज रमजान इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला है। सहरी में बरकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। यकीनन अल्लाह और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी भी भूख हो, चाहे दो नवालों की, पानी के गिलास की, या कुछ भी, नियत है इस हदीस को याद करके तो खा लिया करें या पी लिया करें पानी, तो इंशाल्लाह उसका अज्र अजीम आपको अफ्तारी तक मिलता रहता है। फरिश्ते दुरूशी भेजते रहते हैं। आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ बहुत ज्यादा फरमाइश पर ये वजीफा मैं आपको बताने लगी हूँ, इसका तरीका भी समझाने लगी हूँ। मैंने लहसुन वाला वजीफा आपको बताया था, तो एक कमेंट आया था कि जो वजीफा है वो बहनें शादी के लिए कर सकती हैं। जी, आप शादी के लिए भी कर सकती हैं। उसका तरीका ये है कि आग के नीचे नियत, अल्लाह ताला दिल के पास होते हैं ना, तो अल्लाह पाक नियतों को देखते हैं। ठीक है, तो नियतों से की मुराद जो है, अल्लाह ताला से जब आपका तल्लुक कायम होता है तो जो आपकी नियत होगी, जो आपकी मुराद होगी, वो आपको मिल जाएगा। आपने लहसुन का तरीका बिल्कुल उसी तरह करना है और चूल्हे के नीचे रख देना है। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है या नहीं चल रही तो 7 दिन तक रखना है, तो रिश्ता जहां आपकी पसंद होगी, जहां आप चाहते होगे वहां से आ जाएगा। ठीक है, आज जो वजीफा है बादाम का, जो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे जो बहन भाई हैं उनकी फरमाइश पे मैं बताने लगी हूं इसका सही तरीका और सही इस्तेमाल क्या है। परहेज गोश्त, अंडा, दही और दूध नहीं इस्तेमाल करना। पढ़ना कब है? जुमेरात की रात को। और कम अज कम आपको इतना पता होना चाहिए कि इस्लामी दिन कौन से चल रहे हैं। इस्लामिक तारीख के हिसाब से 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप वजीफा या अमल कर सकते हैं। 14 तारीख से, जब मतलब कि चांद की 14 आबोताब से चांद चमकता है, उसके बाद दिन ढलने लग जाते हैं, रातें पड़ने, चांद घटने लग जाता है, तो बहुत इन चीजों का थोड़ा हिसाब होता है, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखा करें। 20 तारीख के बाद इस्लामी के जो 10 दिन होते हैं, 21 से 30 तक बहुत जो है थोड़े सख्ती के दिन होते हैं, तो इस दौरान अमल कोई भी ना किया करें। और प्यार मोहब्बत चाहत अपनों को मिलाने वाला या अपने हस्बैंड वाइफ का या शादियों का, ये मल्ला किया करें। नंबर 2, बादाम 7 अदद बादाम आपने लेने हैं। अब बादाम आपने 7 अदद लेके उनको पानी में आपने भिगो लेना है, पानी में भिगो लेना है। पानी में भिगो कर आपने सुबह उसके ऊपर जो पढ़ाई करनी है, 3 टाइम पढ़ाई, 1 दिन का अमल है, 3 टाइम पढ़ाई करनी है। 21 मरतबा आपने अमल पढ़ना है। लफ्ज जो है दुरूद शरीफ के बाद के, वो मैं आपको बता देती हूँ, या वदूद, या रऊफ, या रहीम, या वदूद, या रऊफ, या रहीम, ये अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ या 1 मरतबा दुरूद शरीफ 21 मरतबा दरमियान में पढ़ के बादाम के ऊपर आपने दम करना है। अब एक बादाम आप उठाएं, ठीक है, उसके ऊपर आप दम करें, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम,
आला खूब, और जिसके लिए जिसको आप पुकार रहे हैं, जिसको आप बुला रहे हैं, जिसके जिसको आप अपनी तरफ मुसख़र तस्खीर कर रहे हैं, तो उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लेकर तो बादाम एक साइड पे रख दें, सात मरतबा पढ़ के, फिर सात मरतबा पढ़ के, फिर सात मरतबा पढ़ के, फिर मतलब ये उसी रूटीन से आपने 21 मरतबा को पूरा करना है, यानी सात सात के हिसाब से आपने सात मरतबा एक बादाम पर, दूसरी दफा फिर सात मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, तो फिर सात मरतबा, ये तीन दफा हो गया एक बादाम पर, दूसरी दफा भी ऐसे, तीसरी दफा भी ऐसे, इस तरह सात बादामों के ऊपर पढ़ाई करें, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, तीन टाइम तक आपने बस एक ही दिन का अमल। अब बादाम आपने हिफाजत से रख लेने हैं, ये इतने ज्यादा मोतबर हैं, आपने रात को सोने से पहले जब अपने प्यारे को आपने बुलाना हो या अपने किसी नाराज रिश्तेदार को बुलाना, जिसका आपने नाम लिया था, आपने बादाम जो पानी में भिगोए थे ना, तो वो आप जाहिर उनका छिलका तो आपने उतारा होगा, अब उनके सेंटर से दो पीस करके एक पीस का आधा हिस्सा बादाम का आप खा लें, एक आधा हिस्सा जो है आप चूल्हे पे जला दें, बस सात बादाम और फिर इसका कमाल देखें। एक दिन का वजीफा है, दिन में आप फजर, जोहर और असर इस तरह करके मगरिब के बाद आप आधा बादाम खा के आधा जला दें, फौरन आप जो चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अमल जरूर करें, आप सिर्फ जरूरत के वक्त करें, ये अमल है, वजीफा और चीज है, अमल अमलियात और चीज है, ठीक है, तरीके से करें, जिस तरह बताया है उस तरह करें, दिन जुमेरात जुम्मा इतवार का है तो ये करके देखिएगा, एक दिन में ही आपको वाज़ेह फर्क महसूस हो जाएगा। जब आपको किसी के आपने बुलाना हो या किसी से बात करनी हो, बहनें रिश्तों के लिए भी कर सकती हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए भी, मतलब कि ये वजीफा बहुत अच्छा है, मियां बीवी के लिए ये करें। जब आपने बादाम आग में रखना है तो एक बात याद रखें, जिसके लिए अमल कर रहे हैं बहुत ताकतवर ये अमल है, और एक बात याद रखें कि एक ही बादाम का इस्तेमाल करें, ज्यादा बादाम का इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है, बहुत प्यारा अमल है। अगर कोई कमी पेशी रह जाती है या कोई बात पूछनी हो तो अपनी इस बहन को याद कीजिएगा, आपका इस्तखारा करके, तो आपको बेहतर जो है आपको मशवरा भी दूंगी और आपके लिए जो है इंशाल्लाह दुआ भी करूंगी और अमल में भी बैठने की आपके साथ कोशिश करूंगी। इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह खैर।